डियर नो वी आर डिस्कसिंग मैनेजमेंट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ इसमें जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा फोकस होगा वो ये है प्रिपेयरिंग फॉर एमरजेंसीज एंड टरिज्म एंड एमरजेंसी इज़ अ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन अगर अचानक कोई सिचुएशन पैदा हो जाए ऑर्गनाइजेशन में तो आपको मालूम है कि वो बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन के अंदर आपको मालूम है कुछ भी हो सकता है यहाँ तक कि एम्प्लॉय की जो लाइफ है वो भी जा सकती है तो ये अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन में कर होती हैं उनके लिए हमने अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है द पोटेंशियल फॉर ह्यूमन कास्ट सम टाइम हमारी वजह से ही कोई एमरजेंसी डिवेल्प हो जाती है एग्जाम्पल अगर आप रोड पर जा रहे हैं और बहुत ज्यादा स्पीड पर जा रहे हैं अगर अचानक आगे कोई बंदा आ जाता है देन वट यू विल डू इन दैट सिचुएशन डेफिनेटली यू हैव टू टेक ब्रेक अगर आप ब्रेक लगाते हैं वहाँ पर तो आपका टायर स्लिप हो जाता है देन वट यू विल डू इन दैट सिचुएशन इट विल लीड टू अर रोड एक्सीडेंट हालांकि ये सारी सिचुएशन आपकी वजह से ही पैदा की गई है इसी तरह ऑर्गनाइजेशन के अंदर भी सम टाइम एम्प्लॉज़ के किसी चीज़ को सही तरीके से कैजुअल लेने से या बहुत उसको कमिटमेंट से ना करने से बहुत कंसिड्रेशन से ना करने से ये सिचुएशन पैदा हो जाती हैं तो इन सिचुएशन को हमने कैसे देखना है कैसे हैंडल करना है डेफिनेटली इन चीज़ों को पहले से हमने देखना है इम्प्लाई को गाइड करना है ट्रेन करना है और इम्प्लाई ने अपना बिहेवियर उसके मुताबिक डिवेल्प करना है फिर इस किस्म की सिचुएशन डिवेलप नहीं होंगी वेन एन एमरजेंसी अकर यह अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एमरजेंसी अकर हो जाती है देन वट यू हैव टू डू देन यू हैव टू टेक इमीजिएट एक्शन इमीजिएट रीएक्शंस असेंशियल स्पीड एंड करस्पॉन्डिंग कैन मीन द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे किसी किस्म की कोई ब्रेकर शॉर्टेज हो जाती है ब्रेकर जो इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकर है उसमें फर्ज करे आग लग जाती है देन वट यू हैव टू डू यू हैव टू ऑफ द ब्रेकर फर्स्ट अगर कोई फायर के मुतलका जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं उनकी मदद से फायर आप बुझा लेते हैं तो देन लाइफ और डेथ दोनों में आप रोल प्ले कर रहे हैं वो बंदा जिसकी लाइफ इस वक्त रिस्क पे है आपने उसको बचा लिया कैसे बचा लिया कि यू वर मेंटली प्रिपेयर्ड हाउ टू हैंडल द सिचुएशन तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है आइडियली शुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड प्रॉपरली विद मिनिमम ऑफ हेजिटेशन अगर आप हेजिटेशन का शिकार रहे दैन इट विलीड्स टू वर्ड अ बिग लॉस फॉर दर्गनाइजेशन इंप्लाइज के अंदर हेजिटेशन ख़त्म करनी चाहिए इंप्लाइज के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए इंप्लाइज के अंदर प्रॉपर प्लानिंग की जो सोच है वो डिवेल्प करनी चाहिए जब इंप्लाइज को मालूम है कि इन केस ऑफ एनी अनसर्टन सिचुएशन वट विल बी रिएक्शन फ्राम माई साइड

चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनकी मदद से आप लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो रिजल्ट हैं, वो अपनी फेवर में डिवेल्प कर सकते हैं एमरजेंसी प्लानिंग एंड कम्युनिटी राइट टू नो इट दो चीजें हैं यहाँ पे एमरजेंसी प्लानिंग एंड कम्युनिटी राइट टू नो इट एमरजेंसी के प्लान कैसे डिवेल्प आपने करना है इफ एनी अनसर्टन सिचुएशन विल अराइज हाउ यू विल हैंडल इट इसको कहते हैं एमरजेंसी प्लानिंग और कम्युनिटी राइट टू नो इट जो भी लोग हैं सोसाइटी जनरल पब्लिक स्टेक होल्डर स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन से इफेक्ट होते हैं या उनके डिसीजन से ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट होती है ये सारे आपके सराउंड में कम्युनिटीज हैं उन सब को मालूम होना चाहिए कि इन केस ऑफ एनी अनसर्टेन सिचुएशन वट यू हैव टू डू अगर कहीं पर कोई फायर हो जाती है फायर आग लग जाती है एक तो इम्प्लॉज ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की साउंडिंग्स के लोग होते हैं अगर सोसाइटी को भी पता हो व्हाट विल बी द रिएक्शन दे हैव टू कॉल वन वन टू टू या वन फाइव या जिस किस्म की सिचुएशन है उसके मुताबिक आपने कॉल करनी है ताकि वो जो लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज हैं वो वकल पर पहुंच सकें देन यू कैन सेव बिग लॉस ऑफ योर ऑर्गेजेशन एमरजेंसी प्लानिंग एमरजेंसी नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट टॉक्सिक केमिकल रिलीज रिपोर्टिंग ये वो चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेसिफिकली हम इनको डील करते हैं एमरजेंसी प्लानिंग मैंने अभी आपको बताया एमरजेंसी को नोटिफाई करना यू हैव टू डिक्लेयर एमरजेंसी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन और ये चीज़ें विद इन फ्यू मिनट्स विद इन फ्यू सेकेंड्स विद इन फ्यू आवर हो जानी चाहिए ताकि उसके मुताबिक तमाम लोगों की एनर्जी लेवल उसके ऊपर पुट की जा सके इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ये लेटर स्टेज पर भी हो सकता है कि ये क्यों हुआ कैसे हुआ किसने किया क्यों किया प्रिकॉशन क्या पूरे थे नहीं थे इन सब चीज़ों के जवाब को हम डिटेल में तलाश करते हैं केमिकल रिलीज अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई केमिकल रिलीज हुआ जिसकी वजह से कोई लॉस हो गया तो इसके ऊपर भी रिपोर्ट आनी चाहिए रिस्पॉन्स टू एमरजेंसीज़ आर टिपिकल फ्राम सेवरल पीपल आर ग्रुप ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मेडिकल फायर फाइटिंग सिक्योरिटी सेफ्टी पर्सोनल, ये वो लोग हैं जो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं अगर ये सारे लोग एक पेज पे हों तो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी बिग लॉस से बच सकती है people in each of these are as have different but interrelated and often interdependent role to play. For example, मैंने अभी एग्जांपल दी आग कहीं लग जाती है आग लगने के बाद क्या है फायर फाइटर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन लोगों से सपोर्ट करते हैं लैडर सीढ़िया सीढ़ियाँ प्रोवाइड की जाती हैं पानी इजीली अवेलेबल है वहाँ पे एक तो उनके पास भी टैंक होंगे अगर उसके अलावा आपके पास भी ये तमाम इक्विपमेंट्स हैं तो यू कैन कंट्रोल देशन वेरी इजिली एंड वेरी क्विकली लेकिन अगर आप उन सब चीजों को देखें कौन कब कहाँ क्या कर कह रहा है तो इस तरह आप लोग कभी भी उस चीज को एमिकेबली और इमीजिएटली कंट्रोल नहीं कर सकते